वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके सामने जो बूस्टर डोज अपलोड किया गया था 7 बजे, उसका फुल सोल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना, इस वीडियो को बहुत अच्छे से और एंड तक देखना, डेफिनेटली बहुत कुछ फायदा मिलेगा। एंड वीडियो एंड होते होते देखना, आपको स्वयं लगेगा कि कक्षा 9वीं की हिंदी के पेपर में टॉप हम ही करने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपके सामने मिडिल एजुकेशन द्वारा 3 सेटों में मॉडल प्रश्न पत्र अवेलेबल कराया था कुछ इस प्रकार से, एंड इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करना था, मैंने कराया भी था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर नहीं पढ़े हैं तो भाई साहब, इसने गलती तुमने कर बैठी है, इसका फिर जवाबदारी ना तो मिडिल एजुकेशन लेगा, ना तो आपके माता पिता, ना तो कोई आपके यार दोस्त, आपको स्वयं लेना पड़ेगा। ये आपके सामने खैर सेट नंबर ए है। इतना ही नहीं, मैंने 3 सेटों में सेट नंबर ए, सेट नंबर बी, सेट नंबर सी प्रोवाइड करा था, तो प्लीज जाइए जाकर के देखिए, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप नुकसान में हैं। नुकसान में कैसे, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो। फाइनली अभी तो हम देखते हैं अपने बूस्टर डोज का फुल सोल्यूशन। चलिए, हमारा प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन जो थे वो कट हो गए हैं, ठीक है। क्या कहता है काव्य की परिभाषा और उसके भेद बताना है, तो ये रहा भाई साहब आपके सामने आंसर। रसाक्तम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसिक्त वाक्य ही काव्य है। एंड भेद की बात करते हैं, 2 प्रकार का होता है, एक होता है श्रव्य काव्य, दूसरा होता है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य मतलब होता है जब आप आंखों से देख करके और कोई चीज के आनंद की अनुभूति करते हैं, उसे कहते हैं दृश्य काव्य। एंड श्रव्य काव्य का मतलब होता है जब तुम कानों से सुन करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं श्रव्य काव्य। इसका अच्छा एग्जाम्पल दूं, नाटक। नाटक तुम सब आंखों से देखते हो, इसलिए दृश्य काव्य का एग्जाम्पल है। और यहीं पर मैं बोल दूं, श्रव्य काव्य केवल सुन करके, संगीत जैसे तुम सुनते हो, सुन करके आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे कहते हैं श्रव्य काव्य। बस इतना आपको लिखना था। नेक्स्ट कहता है यमक और अनुप्रास अलंकार को समझाइए। तो यमक का मतलब ये होता है कि जहां कोई एक शब्द से अधिक बार प्रयोग हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, या पाए बौराए। ठीक, ये चीज आपको लिखना है, तो ध्यान से देख लो ये एग्जाम्पल। और ये रहा आपके सामने यमक अलंकार का। यहीं पर अनुप्रास पूछा है आपके परीक्षा में, तो अनुप्रास मतलब जहां एक ही वर्ण का प्रयोग एक से अधिक बार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसके अलावा एक अच्छा एग्जाम्पल है, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना, इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट कहता है दोहा और सोठा को परिभाषित कीजिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं दोहा। दोहा मतलब सिंपल सा, इसमें 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, इसे कहते हैं दोहा। और अंत में गुरु लघु होते हैं, अंत में गुरु और लघु होते हैं। जैसे रहमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बस इतना लिख के कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी सोरठा यहाँ पे नहीं दिया है। सोरठा क्या होता है, दोहा का जस्ट उल्टा सोरठा होता है। इसमें 13-13 मात्राएं होती है ना, उसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इस प्रकार से आपका बनता है सोरठा। खत्म, लो भाई साहब। नेक्स्ट कहता है छंद क्या है, मात्रिक और वार्णिक छंद में हमें बताना है डिफरेंस क्या होता है, सॉरी परिभाषित करना है। तो छंद आइए देखते हैं। छंद मतलब सिंपल सा, ऐसी कोई रचना जिसमें, देख लो ये लिखा है, ऐसी कोई रचना जिसमें मात्रा में वर्ण, सॉरी जिस रचना में मात्राओं एवं वर्णों की संख्या निश्चित हो, गति यति गति तुक आदि को ध्यान में रख करके पढ़ा जाए, उसे छंद कहते हैं। और मात्रिक और वार्णिक छंद बोला है, तो मात्रिक छंद मतलब जिसमें मात्राओं गणना होती है, और वार्णिक छंद मतलब जिसमें वर्णों गणना होती है। मात्रिक छंद का उदाहरण दोहा और चौपाई है, वार्णिक छंद का उदाहरण कवित्त और सवैया है। बस इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो शब्द शक्ति मतलब होता है बोलने का प्रकार ही शब्द शक्ति कहलाता है। ये अविधा लक्षण व्यंजन 3 प्रकार का होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से किस प्रकार से तुलना की जाती है, इसे शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे अविधा, अविधा का मतलब होता है सामान्य अर्थ। लक्षण, लक्षण के आधार पर। और व्यंजना मतलब व्यंग मारना, समझना कैसे। जैसे मैं बोला अरे भाई तुम तो राम हो, तुमने ठीक है राम भाई। लक्षण, मैंने बोला अरे भाई तुम तो राम जैसे हो, मतलब भगवान राम जैसे पुरुषोत्तम है, तुम भी हो, तुम भी बहुत आदर्श व्यक्ति हो। और व्यंजना मतलब अरे चल जानता हूं जितना राम जैसे है, है ना, ये व्यंग हो गया, मतलब जानता हूं जितना अच्छा है, समझ गए। इस प्रकार से आपके सामने अविधा लक्षण व्यंजना 3 को कंप्लीट कर दें, एग्जाम में आ रहा है। नेक्स्ट कहता है महाकाव्य और अखंड काव्य में अंतर लिखिए। महाकाव्य और अखंड काव्य में अंतर बहुत अच्छे से दिखाया था, फिर से दिखा देता हूं, ये रहा आपके सामने। यदि तुम एक वीडियो देखोगे मेरा सेपरेट वीडियो, तो डेफिनेटली तुमको फायदा मिला गया होगा।
ठीक है, आपके सामने महाकाव्य और खंड काव्य। नेक्स्ट साइड करते हैं नाटक और एकांकी में अंतर। तो एक सेकंड, नाटक और एकांकी आपको दिखा देते हैं। ये रहा भाई साहब आपके सामने नाटक और ये रहा एकांकी, अच्छे से देख लो ध्यान से, एक एक प्रश्न का उत्तर। साइड करते हैं नेक्स्ट, महादेवी वर्मा की भाषा और शैली लिखना है, मतलब सिंपल सा, अब आपको लिखना है इनकी दो रचनाएं और कैसे कैसे बोलती थी ये सब लिखना है। वन सेकंड जस्ट अबेट, मैं ओपन कर लेता हूँ महादेवी वर्मा जी का, ठीक है। बाकी एक एक चीज के प्रश्न उत्तर अच्छे से कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में भाई साहब यही सब क्वेश्चंस आए हैं जिसको मैं भी बता रहा हूँ। ये रहा महादेवी वर्मा, बस इसे आपको प्रिपेयर करना है, फोटो खींच लो। नेक्स्ट कहता है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, वाह क्या प्रश्न पूछा है, आइए इसको उत्तर दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने एक एक चीज लेकर के आया हूँ, ठीक है। ये रहा कभी हथकड़ियों को गहना कहा क्यों कहा, सिंपल सा, जो हथकड़ियां होती है वो तो अपराधी को पहनाने के लिए होती है, किंतु कवि ने उसे गहना इसलिए कहा क्योंकि देश प्रेम ने देश को आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए पहनी थी, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। उपन्यास और कहानी में अंतर ये भी देख लो, सब लेकर के आया हूँ, एक एक चीज लेकर के आया हूँ, टॉप कराना है इसलिए। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ साथ जरूर करना जो किसी कारणवश से अच्छे स्कूल या अच्छा कॉलेज ज्वाइन, सॉरी अच्छे स्कूल अच्छा ट्यूशन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको भेज दो ताकि वो भी एग्जाम में टॉप कर सके, ठीक है। इतना ही नहीं, इसका पीडीएफ भी तुम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप देख लो। नेक्स्ट कहता है कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, है ना, तो ये रहा भाई हरता जनमन क्यों कहा है, तो यहाँ पर पूरा पूरा लिखा गया देख लो, क्योंकि खेत में अनेक फसलें फल फूल रही थी, खेत में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई थी, ठीक है, रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी, आम के पेड़ पर मंजरिया अपने वातावरण को महका रही थी, इसलिए कवि ने हरता जनमन कहा है। नेक्स्ट कहता है कि अरहर और सनई का खेत, तो ये रहा भाई साहब अरहर और सनई का खेत एक देख करके कवि को ऐसा लगता है, तो अरहर और सनई देख कर कवि को ऐसा लगता है कि मानो धरती ने अपनी कमर पर सुनहरे रंग की घुंघरूले वाले कर्धन पहनी हो, जिससे वे किंकड़ियां की आवाज आ रही है, बस इतना लिख के कम्प्लीट करना है। नेक्स्ट क्या कहता है, अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय को पत्र लिखे शाला शुल्क मुक्ति के लिए, है ना, मतलब फीस छूट करवाने के लिए, आइए देखते हैं क्या यहाँ पे दिया है, इसमें दिया होगा तो दिन बेहतर है, नहीं तो आपको स्वयं अपने स्तर पर इसे तैयार करना पड़ेगा। भाई साहब साला शुल्क मुक्ति के लिए तो नहीं दिया है, ठीक है, सब दिया है शुल्क मुक्ति नहीं दिया, इसलिए ये चीज आपको स्वयं प्रिपेयर करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि प्रथम श्रेणी पर उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र, ये रहा आपके सामने, ठीक, प्रथम श्रेणी पर उत्तीर्ण होने पर ये रहा, ये क्या लिखा है, परीक्षक प्रणाम की जानकारी देते हुए मित्र को पत्र, हाँ यही रहा, ठीक, यही पूरा पूरा लिखना है, देख लो सेम टू सेम यही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है, ये पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए साइड करते हैं पुस्तक लेने के लिए, बुक बैंक से पुस्तक लेने के लिए वही साला शुल्क मुक्ति जैसे ये भी है, तो इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी आपके आई थिंक इस किताब में नहीं दिया है। छायावादी की विशेषताएं, है ना, सॉरी इसको पहले हिंदी पद्य साहित्य कितने कालखंडों में बांटा गया है और छायावाद की विशेषताएं, आइए मैं दोनों चीज आपको दिखा देता हूँ, छायावाद और हिंदी पद्य साहित्य। सबसे पहले आप देखो छायावाद, ये रहा आपके सामने छायावाद, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा पूरा लिखा गया है, अच्छे से रट लेना, बार बार बोल रहा हूँ, जितना चीज दिखा रहा हूँ अच्छे से रट लेना। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालक्रम में बांटा गया है, यहाँ पर तो नहीं है भाई साहब, ये है ना, ये 22वां नंबर देखो, हिंदी पद्य साहित्य को कालक्रम, भारतेंदु द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, टाइम पीरियड ऐसे देख लो, 100% एग्जाम में मार्किंग होने वाली है, ठीक। नेक्स्ट कहता है कोयल की कुकू सुनकर के कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, ये भी देख लो, है ना, कवि बहुत जलन करता था, ये देखो, ये कुक सुनकर के, ये वाला 5वां नंबर 6वां नंबर दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, दोनों लगभग सेम है, आपके एग्जाम में दोनों में से दोनों देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या कहता है, और आगे क्वेश्चन, सुमित्र नंदन पंत, रसखान, कबीरदास जी, इनके बारे में लिखना है, आइए दिखा देते हैं। ये रहा भाई साहब आपके सामने रसखान जी के बारे में, ये रहा कबीरदास जी के बारे में, और सुमित्र नंदन पंत ये रहा नीचे, ठीक, तो एक दो तीनों को अच्छे से पढ़ लेना, लो यहीं पर दिया गया है, 3 से 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक, ये सभी सेट का पेपर है, एक सेट का नहीं है कोई। नेक्स्ट कहता है वीर रस की परिभाषा एग्जांपल सहित लिखना है, तो सिंपल सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक, सॉरी सा हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव, जब भी वो अनुभव संजय संयोग होता है वहां वीर रस कहलाता है। श्रृंगार सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव, विभव अनुभव संजय संयोग कहलाता है, वहां श्रृंगार रस कहते हैं। एक एक एग्जाम्पल ही बोला है, तो बुंदेले हर बोले मुझसे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। श्रृंगार रस में अभी तो हुआ था सिंदूर, कल ही हल्दी के हाथ,
खुले ना भी थे बोल चुम्बन चुम्बन सुन को बोल हाय रुक गया संसार बिना सिंदूर अंगार। ठीक, इस प्रकार से लिखना है। बाकी इसका थोड़ी मैं भूल रहा हूँ, जो मैं बोला हूँ हो सकता है गलत भी हो, तो प्लीज उसको माइंड मत करना, सही कर लेना। नेक्स्ट कहता है अंतरास और यमा कलंकार मैंने दिखाई दिया। नेक्स्ट कहता है कि कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। ठीक है भाई, ये भी दिखा देते हैं। अरे सिंपल सा रीजन ये था कि जब कोई अपने पशु को लेने आया ना, तो उसको पशु सही तरीके से लौटा सके, और कितने दिन उनके पशु यहाँ थे हमारे कांजी हाउस में, उनकी पैसा वसूल सके कर सके, इसलिए पशु की हाजिरी ली जाती थी। लेकिन उत्तर क्या लिखेंगे ये रहा आपके सामने, फोटो खींच करके उत्तर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है आपकी छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा। तो ये रहा भाई छोटी बच्ची हो क्या, है ना, एक टाइम ट्रेंड जो था छोटी बच्ची हो क्या, ये रहा भाई छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा था, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट कहता है प्रेमचंद्र राहुल संख्यात्र हरिशंकर परसाई की रचना भाष्यली बताना है। तो ये रहा भाई साहब आपके प्रेमचंद्र जी, ठीक है, ये रहा आपके राहुल जी, ठीक है, और ये रहा हरिशंकर परसाई बोला है ना, ये रहा हरिशंकर परसाई, बस तीन ही आ रहा है आपके एग्जाम में, बस तीनों आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है संधि और समास में अंतर लिखिए। अब ये कहाँ मिलेगा संधि और समास में अंतर, देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विसर्ग उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और दो शब्दों के मेल का जो विकार होता है, जो शब्दों का मेल होता है, मतलब मेल करके नए शब्द का निर्माण होता है, उसे कहते हैं समास। ठीक, बाकी देख लेता हूँ यदि यहाँ पर अवेलेबल होगा तो मैं दिखा दूंगा, नहीं होगा तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। बाकी सारे सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसके बाद कहीं अगर भटक रहे हो ना तो गलती तुम्हारी है, और जो रियल डील कर रहे हो ना इसे देख रहे हो वो रियल ही है भाई, बस तुम देखते जाओ, देखने का नजरिया सही होना चाहिए। ये रहा संधि और समास, ठीक है, ये रहा। और एक रहा निपात शब्द, निपात शब्द पूछा, टेंशन मतलब नीचे भी दिखाऊंगा, ये निपात शब्द दे रहा है इसका उत्तर। निपात मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, देखो नीचे लिखा गया है। नेक्स्ट कहता है मृदुला गर्ग नानी से प्रभावित कैसी थी। ठीक है, अरे सॉरी सॉरी एक चीज और देख लेना, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर, भाई मेरे भाई यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको 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 तो भूल गया था, मुहावरे और लोकोक्तियां में अंतर, मात्र तीन अंतर पढ़ना पड़ेगा, तीन अंतर भाई, ये तो भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूल गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए मृदुला गर्ग वाला देख लीजिएगा, इसका आंसर दिखाऊं क्या, पता नहीं कहाँ पे है, भूल गया मैं कहाँ मिलेगा इसका आंसर। मृदुला गर्ग नानी से प्रभावित क्यों थी, वन सेकंड में ढूंढ लेता हूँ अगर मिल जाता है तो। अरे टेंशन मतलब यार, जो मैं दिखाया हूँ उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा बोल दिया मतलब कुछ नहीं आएगा। अब फिर भी अगर तुम भटक रहे हो इधर उधर तो फिर तुम भटको इधर उधर, क्योंकि मिडिल एजुकेशन बैठा इधर, है ना, तुम भटको इधर उधर कहीं ना मिलेगा कुछ किधर, फिर तुम लौट करके आओगे मिडिल एजुकेशन क्लास, फिर बोलोगे तुम ही दे दो मिडिल एजुकेशन इधर, है ना, इसलिए मत भटको कहीं इधर उधर। नेक्स्ट देख लो मुहावरे लोकोक्ति में अंतर। ठीक, नेक्स्ट आपको देखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र और खेलों के ऊपर और विज्ञान के ऊपर, बस दो चीज आपको प्रिपेयर करना है। लीजिए इस प्रकार से पूरा पूरा कंप्लीट होता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला दिखा देता हूँ ताकि तुम कहीं ना भटको इधर उधर, नहीं तो फिर बोलोगे हम जाएं अब किधर। ये रहा भाई स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला, एक अच्छे समझाया था, टेंशन मत लो। ठीक है, बाकी ये तो देख लोगे ना, खेलों का और विज्ञान का तुम्हारे पास होगा। इस प्रकार से लीजिए पूरा का पूरा हिंदी कंप्लीट होता है, अब चिल करिए, बस जाइए जाकर के पेपर देख करके, डेफिनेटली तबाही आप मचाएंगे, आपके पूरे पूरे स्टूडेंट देखेंगे। वीडियो कैन करते हैं एग्जाम के लेवल दोस्त, खुश रहे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, दोस्तों के साथ जरूर करना, दोस्त तुम्हारी तारीफ ही करेंगे, बुराई नहीं।